होटल स्टे श्री त्यागी मॉडल पब्लिक स्कूल में आयोजित इंग्लिश स्पीच कंपटीशन में भाग लेने वाले दर्जनों स्कूलों के विजेता छात्र छात्राओं को आज स्कूल में आयोजित हुए कार्यक्रम में पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। श्री त्यागी मॉडल स्कूल के प्रधानाचार्य संतोष कुमार ने बताया कि होटल क्षेत्र के स्कूलों के बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं, लेकिन अंग्रेजी बोलने में वह कभी मार नहीं खाएंगे, इसलिए उनके द्वारा स्कूल में इंग्लिश स्पीच कंपटीशन का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि इस कंपटीशन में जूनियर विग में 22 स्कूल एवं सीनियर विग में 15 स्कूलों ने हिस्सा लिया है। इस कंपटीशन में विजेता छात्रों को नगद पुरस्कार एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित भी किया गया है। उन्होंने कहा कि इंग्लिश स्पीच कंपटीशन का आयोजन वह आगे भी करते रहेंगे ताकि होडल क्षेत्र के बच्चे अपने अपने परिवार और स्कूल के आगे चलकर अपना नाम रोशन कर सकें। उन्होंने कहा विवियन स्कूल, राधा कृष्णा कॉन्वेंट स्कूल, जीवन ज्योति स्कूल सहित 37 स्कूलों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। विवियन स्कूल के प्रधानाचार्य ललित शर्मा और राधा कृष्णा कॉन्वेंट स्कूल की प्रधानाचार्य गीता भाटिया ने छात्रों को उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि ऐसे प्रतियोगिताओं से छात्रों में मानसिक विकास के साथ साथ उनकी प्रतिस्पर्धा शक्ति को भी बढ़ावा मिलता है। पब्लिक स्कूल में इंग्लिश स्पीच का कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है, तो क्या लगा है आपको, क्या ऐसे इंग्लिश की भाषा के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत अच्छा लगा इस पार्टिसिपेट करने के लिए इसमें, एंड आई फेल्ट लाइक अ ग्रेट एक्सपीरियंस इन दिस। तो बेटा आपने यहाँ कोई अभी कोई पोजीशन प्राप्त की है, अभी कोई वो नहीं है रिजल्ट? एक्चुअली अभी हमारा मतलब टर्न नहीं आई है, तो सीनियर विंग के लिए अभी तो कोई रिजल्ट नहीं है। तो कौन से स्कूल में पढ़ते हो आप? ये तो ग्रामीण एरिया का स्कूल है, फिर भी आप इतना इंग्लिश में इतना अच्छे बोल सकते हो, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर स्कूल में यही बोलेंगे, स्कूल में इसके लिए हमें हमारे लिए मतलब काफ़ी सारे सेमिनार लगाए जाते हैं एंड वीक टू वीक हमें प्रोवाइड कराई जाती है, एंड इसके लिए स्पीच कंपटीशन भी होता है, तो हम थैंकफुल करेंगे अपने स्कूल को। इसके लिए श्रेय किसको देते हो आप? टू आवर सर द होल स्कूल। थैंक यू बेटा। त्यागी मॉडर्न पब्लिक स्कूल में इंग्लिश स्पीच कंपटीशन में के पार्टिसिपेट किया है, तो क्या लगा है आपको इंग्लिश की भाषा के प्रति? एक तो नॉलेज बढ़ी है, एक हमें इंग्लिश सीखने को मिली थी। और तो क्या आपको लगता है इससे आपको और बढ़ावा मिलेगा इसको लेके इंग्लिश के प्रति, या आप कौन से स्कूल से हो? मैं राधा कृष्ण से, और मिलेगा मैं। तो आपको यहाँ कोई फर्स्ट पोजीशन या कौन सी पोजीशन मिली है? तो अभी बताइए। अभी बताया नहीं है। क्या लगता है आप प्रति वर्ष भी इसकी तैयारी करेंगे या इसकी तैयारी करेंगे और करते रहेंगे? बढ़ती है। आपके स्कूल ने श्री त्यागी मॉडर्न पब्लिक स्कूल में इंग्लिश स्पीच कंपटीशन में आयोजन में पार्टिसिपेट किया है, तो क्या लगा है इस पार्टिसिपेट से इंग्लिश के से क्या है इंग्लिश को बढ़ोतरी मिलेगी, या जैसे कि बताया जा रहा है कि हमारा देश भारत देश हिंदुस्तान है और इसमें हिंदी भाषा को ज़्यादा मान्यता दी जाती है, इस बारे में क्या कहना है आपका? सर फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक त्यागी मॉडर्न स्कूल कि उन्होंने हमें इनवाइट किया और हमारे बच्चों का पार्टिसिपेशन इसमें करवाया। और कहीं ना कहीं देखो सर, हमारे हिंदुस्तान में अभी भी जो इंटरव्यूज़ वगैरह होते हैं वहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज ही जनरली यूज़ की जाती है, और बच्चे जो हमारे हैं वो नॉलेज रखने के बावजूद भी वो इंग्लिश में उन चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाते, और जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन रुक जाता है। तो हमारे बच्चों को कहीं ना कहीं इंग्लिश को अच्छे से सीखना होगा और कॉन्फिडेंसली उसमें आगे बढ़ना होगा। तो बात आपने कहा कि हिंदी भाषी होने के लिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि हिंदी हमारी मातृभाषा है और हमें इस पर गर्व है, और ये बात भी अगर हम बाद में कहें, अगर हमने इंग्लिश सीख रखी है, हम अच्छे से इंग्लिश बोल रहे हैं और उसके बावजूद भी हम हिंदी को यूज़ करते हैं, हिंदी को आगे बढ़ाते हैं, तो लोग ज़्यादा हमें अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि वो समझ पाएंगे कि इंग्लिश इसकी कमजोरी नहीं है बल्कि इसका हिंदी के प्रति प्यार ज़्यादा है। यही रीज़न है कि ये हिंदी को ज़्यादा प्रीफर कर रहे हैं, उसको ज़्यादा सम्मान दे रहे हैं। तो मैं सभी बच्चों से, टीचर से, स्कूल से कहना चाहूँगा कि इंग्लिश को सीख कर, बच्चों को सिखा कर आगे बढ़ाएँ, ताकि वो हिंदी
को भी उस तरीके से सम्मान दे पाएँ और लोगों को लगे कि हिंदी आसान है या हम सब के लिए बोलना आसान है, इसलिए कोई नहीं बोल रहा, बल्कि भाषा बहुत अच्छी है जिसके अंदर आप भाव बहुत अच्छे से हम एक्सप्रेस कर पाते हैं। त्यागी मॉडर्न पब्लिक स्कूल में इंग्लिश स्पीकिंग कंपटीशन का आयोजन किया है, किस उद्देश्य से किया है? सर, मैंने जब से मैं ऑर्गेनाइजेशन में आया हूँ, मैंने एक चीज़ महसूस किया है कि यहाँ के बच्चे टैलेंटेड तो बहुत हैं, 100/100 मार्क्स प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन जब वो किसी कंपटीशन में जाते हैं या कॉलेज में एडमिशन के लिए जाते हैं तो चूंकि उनको स्पोकन इंग्लिश पे उनका कमांड नहीं है, धीरे धीरे वो बैक बेंचर बन जाते हैं, जबकि वो सबसे बहुत अच्छे हैं। इस उद्देश्य से ये प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है कि हमारे होडलिज्म के बच्चे कभी भी लैंग्वेज के कारण मार न खाएं। तो सर, ये आज यहाँ जो कितने स्कूलों ने पार्टिसिपेट किया है? सर, लगभग जूनियर विंग में 22 स्कूलों ने पार्टिसिपेट किया है और सीनियर विंग में 15 स्कूल ने पार्टिसिपेट किया है। जो ये बच्चे ने पार्टिसिपेट किया है, इन्हें फर्स्ट सेकंड थर्ड में भी इनको कोई प्राइज वगैरह दिया जाएगा? सर, फर्स्ट प्राइज 2100 रुपये, सेकेंड प्राइज 1500 रुपये और थर्ड प्राइज 1100 रुपये रखा गया है। उसके साथ सील्ड है, सर्टिफिकेट है, ये दिया जा रहा है इन बच्चों को। ये अब की बार ही करा रहे हैं या प्रतिवर्ष होता रहेगा? या सर, ये हर वर्ष होगा, ये स्टार्ट इस साल हुआ है, लेकिन मैंने सभी पार्टिसिपेंट्स को बता दिया है कि ये हर वर्ष होगा, एक निश्चित डेट पे इसको आयोजित किया जाएगा। सर, जैसे कि आज यहाँ पार्टिसिपेट हुआ है, क्या लगता है आपको इससे बच्चों को आगे और जाने का सबक या स्टेज पर बोलने के लिए प्रोत्साहित होंगे वो? सर, ये देख करके मैं बहुत ही सरप्राइज्ड हूँ कि जब बच्चों की तैयारी हम अपने स्कूल में ही करा रहे थे तो जहाँ दो बच्चे भी बड़ी मुश्किल से तैयार होते थे, आज कम से कम हमारे स्कूल में 40 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हमें ये चुनना बड़ा भारी पड़ गया था कि किसको मैं अपने स्कूल की तरफ से रिप्रेजेंट कराऊँ और किसको ना कराऊँ। यही हाल सभी स्कूलों का है, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जी, थैंक यू।